वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होंगे तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हड़प्पा सप्ताह का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है तो हड़प्पा सप्ताह का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है पच्चीस सौ बीसी से ईसा पूर्व से साढ़े सत्रह सौ बेसी तक है ठीक है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है बीसी हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है या संबंधित है तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट किस प्रकार की थी तो भाव चित्रात्मक थी ठीक है भाव चित्रात्मक हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है तो प्रातात्विक खुदाई है ठीक है क्या है प्रातात्विक खुदाई है मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तो मोहन जोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला है क्या है मृतकों का टीला है सिंधु सप्ताह किससे संबंधित है तो सिंधु सप्ताह आद ऐतिहासिक युग से संबंधित है वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है तो पूर्व यार काल से ठीक है पूर्व यार काल से आपको याद रखना है कि हड़प्पा काल से नहीं माना जाता है सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर जो है कासा तैयार किया था इसलिए इसे जो है कास युगिन सप्ताह बोला जाता है तो जो सिंधु घाटी सप्ताह है या हड़प्पा सप्ताह इसे काश युगिन सभ्यता भी बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है क्योंकि तांबे में टीन मिलाकर कासा का निर्माण करते हैं इसीलिए हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है तो जो रंगपुर है सौराष्ट्र में स्थित है कहाँ पर सौराष्ट्र में स्थित है रंगपुर सौराष्ट्र किस राज्य में है तो गुजरात में है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं तो कालीबंगा ठीक है कालीबंगा और कालीबंगा किस राज्य में है तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई वेरी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई जो है किसके द्वारा की गई है तो सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है मोहनजुदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की प्रतात्विक खुदाई कराई गई है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है तो हड़प्पा कालीन स्थलों में जो है अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई ठीक है याद रखिएगा लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ नहीं हुई है ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसे आप लोग मार्क कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है मार्क कीजिएगा सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे तो मातृ देवी की पूजा करते थे किसकी मातृ देवी की पूजा करते थे उसके बाद है उत्खनित परमाणु के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता का स्थल बनाबली हरियाणा घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है इसे दोबारा पढ़ लीजिए कि उत्खनित परमाणु के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनाबली हरियाणा घग्घर और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है सिंधु घाटी का स्थल ठीक है नेक्स्ट है कि धौलाबीरा नामक प्रातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है तो गुजरात राज्य में स्थित है धौलाबीरा नामक स्थल और आपको ध्यान रखना है कि धौलाबीरा में जो है वाटर मैनेजमेंट का बेहतर सिस्टम मिला है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो धौलाबीरा से वेरी इंपॉर्टेंट है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो धौलाबीरा से हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है तो वर्गाकार है कैसा है वर्गाकार है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा संस्कृति की मोहर है उसमें घोड़े का अंकन नहीं हुआ है ठीक आप है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या घोड़े का अंकन हुआ है नहीं आधुनिक देवनागरी लिपि का जो है प्राचीन रूप क्या है तो ब्राह्मणी लिपि है ठीक है ब्राह्मणी लिपि है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा काल में लिपि थी उसे पढ़ाज तक नहीं गया है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी तो भारत में कहाँ पर अपना देश भारत में सेंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर स्थित है वेरी इंपॉर्टेंट है सेंधव सभ्यता की जो समकालीन थी मिस्र की सभ्यता वह किस नदी पर स्थित थी तो नील की नदी पर ठीक है नील नदी पर स्थित थी नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है ठीक है दुनिया की सबसे लंबी नदी है आपको ध्यान रखना है विक्टोरिया झील से यह नदी आपकी निकलती है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस प्रातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है वृषभ मुद्रा किस प्रातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी तो मोहन जोदड़ो से मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है तो कालीबंगा से कहाँ पर कालीबंगा से प्राप्त हुई है जो राजस्थान में है लेखन कला की प्रणाली जो है विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सप्ताह कौन है तो सुमेरियन सप्ताह है कौन है सुमेरियन सप्ताह वेरी इंपॉर्टेंट है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली जो है प्रथम प्राचीन सप्ताह सुमेरियन सप्ताह थी सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सप्ताह थी जो सिंधु घाटी सप्ताह थी गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर जो है कृषि पर आधारित या आश्रित थे इसे दोबारा आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है गैर आर सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी तो जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता था वह कैसी थी नगरीय सभ्यता थी जबकि जो आर थे वो मुक्ता कृषि पर आधारित थी जो आर्य सभ्यता थी मुख्ता कृषि पर आधारित थी भारत में जो है किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण के प्रतीक माने गए हैं तो उत्तरी काले पौलिष्कृत मृदभांड ठीक है वेरी इंपोर्टेंट है द्वितीय नगरीकरण के जो प्रतीक माने गए हैं उत्तरी काले पौलिस्कृत मृदभांड माने गए हैं भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष किस स्थान से मिलते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से जो है मिलते हैं Osionfish. भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष किस सभ्यता से मिलते हैं सभ्यता कर लीजिएगा स्थान पढ़ दिया क्या भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष किस सभ्यता से मिलते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यता जो है किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, है तो सेलखड़ी का किसका सेलखड़ी का हड़प्पा सेल का, काल की मुद्राओं के निर्माण में जो है शेलखड़ी का उपयोग किया गया है उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था उसका सीमा तो आपको ध्यान रखना है जो ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है और ये आपके वेस्ट है ठीक है तो उत्तर में जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मांडा जम्मू कश्मीर तक था और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का ठीक है दक्षिण में जबकि पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था और पश्चिम में जो है सुत कांगे डोर तक इसका विस्तार था सुत कांगे डोर कहाँ पर है आपके तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है ठीक है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है जो आपकी अस्थिर प्रांत है पाकिस्तान के लिए ठीक है तो इस सीमा आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट है उसके बाद आपको कालीन जो स्थल और उनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है एक साइड स्थ यहाँ पर स्थल दिया गया एक साइड यहाँ पर उत्खनन करता है ये वर्ष है ये नदी है और ये आपकी प्राप्त साक्ष है तो जो आपकी हड़प्पा है वो कहाँ पर स्थित है तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान में स्थित है और माउंट गोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा पाकिस्तान के और हड़प्पा जो स्थल है इसके उत्खननकर्ता कौन है तो राय बहादुर दयाराम साहनी व्लर माधव स्वरूप वत्स हैं ठीक है और हड़प्पा सप्ताह का उत्खनन किस वर्ष किया गया तो 1921 ईस्वी इस में इसका उत्खनन किया गया था और किस नदी पर स्थित है हड़प्पा तो राबी नदी पर स्थित है और यहाँ से क्या क्या साक्ष मिले हैं इनके साक्ष याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन में साक्षी पूछे जाते हैं और यहाँ से जो क्या क्या मिले हड़प्पा से तो अन्न भंडार कासे से निर्मित खिलौना गाड़ी पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति गड़ूर चित्रित मुद्रा मछुआरों का चित्र शंख शंख का बैल और कास दर्पण ये सारे कहाँ से मिले हैं हड़प्पा से मिले हैं मोहन जोदड़ू आपकी पाकिस्तान में है, लरकाना ज़िला में स्थित है और इसके उत्खनन करता है रखाल दास बनर्जी और माटी मर व्लर इसका उत्खनन कब हुआ 1922 सौ ईस्वी में ये इसका खोजा कब गया 1922 सौ ईस्वी में और किस नदी किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी किनारे स्थित है ठीक है सिंधु नदी किनारे स्थित है और यहाँ पर क्या क्या मिला है साच में तो विशाल स्नानागार पुरोहितों का आवास महाविद्यालय मूर्ति दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति वेरी इंपॉर्टेंट है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति चमकते हुए बंदर का चित्र एक सिंगी पशु वाले मुद्राएं ठीक है जो काले रंग से लिखा हुआ है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है देखना सबको है लेकिन आपको जो एक तरीके से याद करना है या ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो जिस जो को ब्लैक किया रहेगा उसको ज़्यादा आपको याद रखना है ठीक है क्योंकि ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन यही बार पूछा इसी से पूछा जाएगा उसके बाद है लोथल लोथल कहाँ स्थित है यह भारत में स्थित है भारत में कहाँ पर तो गुजरात राज्य में स्थित है और अहमदाबाद ज़िले में स्थित है ठीक है और इसके खोजकर्ता कौन है रंगनाथ राव यह खनन कौन है तो रंगनाथ राव हैं और कब यह स्थल मिला है 1955 एवं उन्नीस में मिला और इसका खनन किया गया 1955 सौ में भी ठीक है और किस नदी के किनारे स्थित है तो ये भोगवा नदी किनारे स्थित है और आपको ध्यान रखना है कि जो लोथल में ज्यादा पूछा जाता है गोदी बाड़ा कि गोदी बाड़ा कहाँ से मिला तो लोथल से मिला है और वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका का प्रमाण मिलता है हाथी दांत के अस्केल यहाँ पर मिलता है याद रखिएगा लोथल से उसके बाद आपको तीन युग्मित समाधियाँ और चलाक लोमड़ी का चिन्ह भी आपको कहाँ से मिलता है ये मिलता है लोथल से उसके बाद चंदहुदलो ये आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है अनेस्ट माइक वे एन जी मजूमदार के नेतृत्व में इसका खनन हुआ और 1931 में यह स्थल मिला और 1931 में इसका खनन भी हुआ और किस नदी किनारे स्थित है तो सिंधी नदी किनारे स्थित है और चंद्रहद्रो में जो है मनके बनाने का कारखाना मिलता है वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है तो चंद्रहदड़ो से मिला है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साँच भी आपके कहाँ से मिला है चंद हुदड़ों से लिपस्टिक का साँच भी मिला है और कास गाड़ी बकरा कार एट ये सब तो ज़रूरत नहीं है कंगहा याद रखिएगा और तीन घड़ियों तीन घड़ियालों तथा दो मछलियों के अंकन वाली मुद्रा भी मिला है काजल पाउडर इत्यादि कहाँ से मिला है चंद से कालीबंगा किस राज्य में है तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और हनुमानगढ़ जिला में स्थित है उसके बाद आपको याद रखना है कि ये किस नदी किनारे स्थित है तो घग्घर नदी के नारे अथित है, तो है और यहाँ पर जोते हुए खेत का साक्ष आपको मिलता है और भूकंप के भी साक्ष मिलते हैं और अग्नि हवन कुन का भी साक्ष मिलता है अलंकृत ईट चूड़ियाँ संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष भी मिलता है कहाँ से कालीबंगा से और ल, ल, लकड़ी के नाली का भी साक्ष याद रखिएगा जो लकड़ी का नाली है वो भेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है लकड़ी का नाली जो है वेरी इम्पोर्टेंट है कहाँ से मिलता है कालीबंगा से मिलता है उसके बाद है राखी गढ़ी आपके हरियाणा में स्थित है और किस नदी किनारे स्थित है तो घग्घर नदी किनारे आपके अस्थित है और यहाँ से उपकरण क्या मिले हैं तो हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला है कहाँ से राखी गढ़ी से कोट डीजी देखिए कोट डीजी आपके पाकिस्तान में है और खैरपुर जिला में स्थित है और किस नदी किनारे स्थित है तो सिंधु नदी किनारे स्थित है और यहाँ पर साच क्या मिला है तो किलेबंदी का साच यहाँ पर नहीं मिलता है कहाँ पर दीजी में और कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिलते हैं दीजी से बनाबली ये किस किस नदी किनारे स्थित है तो बनाबली जो है सरस्वती नदी किनारे स्थित है और ये कहाँ पर है हरियाणा राज्य में स्थित है मिट्टी का हल यहाँ पर मिलता है और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए मिलते हैं और जौ के साच भी आपके मिलते हैं कहाँ पर बनावली से ठीक है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बता रहे हैं ठीक है उसके बाद है रोपड़ रूपनगर ये आपके रोपड़ जो है पंजाब राज्य में स्थित है और किस जिले में स्थित है तो रूपनगर जिले में स्थित है और किस नदी किनारे स्थित है तो सतलज नदी किनारे स्थित है तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साच कहाँ से मिल रहा है रोपड़ से वेरी इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा पॉइंट मानव के साथ जो है कुत्ते दफलाने का साक्ष कहाँ से मिलता है तो रोपड़ से मिलता है ठीक है उसके बाद है रंगपुर आपके कहाँ पर स्थित है तो गुजरात के काठियाबाड़ ज़िले में स्थित है और किस नदी किनारे स्थित है तो भादर और मादर नदी किनारे स्थित है ज्वार बाजरा तीन संस्कृतियों के अवशेष नालियाँ कच्ची ईट के दुर्ग और धान की भूसी का अवशेष कहाँ मिलता है रंगपुर में मिलता है उसके बाद है आलमगीरपुर ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में है और किस नदी किनारे स्थित है तो हिंडन नदी किनारे स्थित है मृदभांडों पर जो है रंगीन चित्रकारी के साक्ष मिले हैं आलमगीरपुर से सुध कांगेडोर ये आपके पाकिस्तान में स्थित है सुध कांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ये किस नदी किनारे स्थित है तो दासक नदी किनारे स्थित है और याद रखिएगा कि तीन संस्कृति के साक्ष यहाँ पर आपको मिलते हैं प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन इसे बात में रखना है आपको याद रखना है बेबीलोन से व्यापार का साथ मिलता है कहाँ पर शुद्धकांगी डोर से और बंदरगाह है याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बंदरगाह होला एक आपकी लोथल है एक शुद्धकांगी डोर है इधर ठीक है तो शुद्धकांगी डोर आपकी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है यहाँ पर बेबीलोन से व्यापार के साथ मिलता है और बंदरगाह स्थित है मांडा आपकी कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी किनारे स्थित है ठीक है चेनाब नदी किनारे स्थित है और यहाँ पर से जो है चाट ब्लेड हड्डी निर्मित वान वनाग्र इसको बोलते हैं बांध मोहरों के साथ मोहरों के साथ आपके प्राप्त होते हैं तो आपको याद रखना सिर्फ मांडा किस राज्य में है तो जम्मू कश्मीर राज्य में है ठीक है और उसके बाद है सुत ए, सुतका कोह ये आपके बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और किस नदी किनारे स्थित है तो सादी कौर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर जो है मृदभांड के मृदभांड के साक्ष मिलते हैं तो ये सब तो पूछा नहीं जाएगा बहुत कमी है आपको लोकेशन खाली याद रखना ठीक है लोकेशन आपकी लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है जो लोकेशन आपके भारत में रहेंगे आ, उनके साथ आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के नहीं जो वो जहाँ पर आपको हम टिक किए हैं उसी को सिर्फ याद रखना है आपको लास्ट में बता भी देंगे कि कौन आपको याद रखना है उसके बाद आपका है सुरकोटदा सुरकोटदा आपके भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और सरस्वती नदी किनारे स्थित है और कलश समाधान याद रखिएगा और घोड़े की हड्डी ये भी याद रखिएगा और तराजू का पलड़ा ये कहाँ से मिला है सुरकुर्दा से मिला है ठीक है सुरकुर्दा से मिला है और हड़प्पा सप्ताह में जो है विनिमय का मुख्य माध्यम क्या था वस्तु विनिमय प्रणाली थी ये नहीं कि आज की तरह रुपया का लेन किया जाता था वहाँ पर वस्तु से ही वस्तु को एक्सचेंज किया जाता था ठीक है तो हड़प्पा संबंध समन्... सप्ताह संबंधित सारे इंपॉर्टेंट हम लोग जो प्रश्न हैं सारे को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं आपको हम इसमें बता देते हैं कि किस किस को आपको याद रखना है सारे हड़प्पा मोहनजदड़ो लोथल उसके बाद जो चंद हुदड़ो है इसके बारे में याद रखिएगा मनके बनाने कारखाना लिपस्टिक ये सारे आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कालीबंगा लोकेशन पूछिएगा पूछेगा जोते तो हुए खेत का साछ और अग्निहवन चूड़िया राखी गढ़ी ये आपके हरियाणा में है यहाँ से ताम्र उपकरण आपके प्राप्त हुए हैं उसके बाद है कोट डीजी ये आपके पाकिस्तान में है यहाँ से कच्चे ईट के मकान मिले हैं बनाबली जो बनाबली है यहाँ से मिट्टी के हल आ, मिला है और जौ के साक्ष मिलने हैं बनावली से और ये हरियाणा राज्य में स्थित है और रंगपुर जो आपका है जो रंगपुर है ये आपके कच्ची इट के दुर्ग और धान की भूसी आलमगीरपुर रंगीन चित्रकारी का साक्ष आपको मिलता है जो मतलब ब्लैक से किया गया है सिर्फ भूसी को आपको याद रखना है और जहाँ पर हम आपको जो टिक किए होंगे कि इसको याद ही रखना है तो उसे आप लोग याद रखिएगा ठीक है अगर वीडियो आपको कैसा लगा हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको इन सारे जो आपके वीडियो अपलोड हो जाएगा तो सारे का पीडीएफ आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर और साथ में वीडियो को वहाँ पर भी अपलोड किया जा किया जाता है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके थैंक थैंक यू